नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 5 फरवरी है और बुधवार का दिन है। राहु काल का समय आज रहेगा 12:26 से लेकर के 1:42 तक का। तो राशियों की बात होगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप अपने कपड़ों को, अपने जो बेडशीट्स होती हैं उसे बहुत क्रम्पल्ड फॉर्म में रखते हैं, यानी कि उसको बस ऐसे ही करके आप रख देते हैं, या आपकी अलमीरा जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होती, आपके कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं, तो उसका क्या असर आपके ग्रहों पर पड़ता है। तो जान लीजिए कि जो लोग उठने के बाद, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद अपने बेड को, अपनी बेडशीट्स को प्रॉपर फॉर्म में नहीं करके रखते हैं, उनका हमेशा राहु उनकी कुंडली में खराब रहता है। और अगर आपकी अलमीराज के अंदर भी अगर कपड़े जो हैं वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं होते, तो उसका असर भी आपके कुंडली में राहु के ऊपर पड़ता है। तो आप देखेंगे आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, आप डाउटफुल सिचुएशंस में रहेंगे। ऐसे लोग हमेशा भटकाव की स्थिति में रहते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग जो है वो दो तरफा चलता है। इन स्थितियों को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने कपड़ों को व्यवस्थित करके रखें। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम ऐसे लोगों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले अपना जो बेड है, जो बेडशीट है, उसे प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा कर दीजिए और उसमें ज़रा सी भी सलवटें नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप बात करते हैं हम नेगेटिव एनर्जी या किसी भी तरीके की पॉजिटिव एनर्जी की, तो इसका पता आप रुद्राक्ष से लगाया जा सकता है। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है, या एक ऐसा, आप देखेंगे रुद्राक्ष का जो फॉर्मेशन होता है, रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति हुई है वो नॉर्दर्न साइड से हुई है, नॉर्थ इंडिया की तरफ से। वहाँ बहुत हाइट पर जाकर वो रुद्राक्ष जो है वो उगता है। तो आप देखेंगे कि रुद्राक्ष को जब भी आप किसी पॉजिटिव चीज़ के ऊपर करेंगे तो हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा, और रुद्राक्ष को आप जब भी किसी नेगेटिव फॉर्म के ऊपर रखेंगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब भी कोई न्यूट्रल चीज़ होगी तो हमेशा एक पेंडुलम की तरफ घूमेगा। तो ये इसकी खास बात होती है। जब भी आपको किसी भी जगह की नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्रेशंस को चेक करना हो, तो वहाँ पर आप एक्चुअल रुद्राक्ष को वहाँ रख कर देखिए। एक्चुअल रुद्राक्ष की माला को वहाँ पर एक इस तरह से आप लटका करके देखेंगे, तो आपको हमेशा दिखाई देगा वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा पेंडुलम की तरह घूमेगा। तो इस तरह की एनर्जीज को आप महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात, इस तरह की एनर्जीज का असर सीधे सीधे आपके जीवन पर पड़ता है, आपके ग्रहों पर ज़रूर पड़ता है। हम डेली रूटीन में जिस तरह का दिनचर्या हम बिताते हैं, उसका असर जाहिर सी बात है हमारे ग्रहों के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि सुबह उठने के बाद जिन लोगों की राहु की दशा ख़राब होती है, राहु उनकी कुंडली में किसी तरह का ग्रहण योग बना रहा है, या फिर आप देखेंगे कि राहु की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपके हेल्थ इशूज़ आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, राहु आपको भटकाव में लेकर के जाता है। क्योंकि राहु का काम ही आप समझ लीजिए कि राहु हमेशा एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, एक भटकाव ज़रूर क्रिएट करेगा। एंड दिस इज़ ईयर ऑफ राहु, 2020 जो है वो वैसे भी राहु का साल है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने सुबह उठने के बाद अपनी बेड पर ज़रा सी भी सलवटें नहीं होनी चाहिए। अपने बेड को खुद से आप साफ रखें, अपनी बेडशीट्स को क्लियर करें, अपनी अलमारी को व्यवस्थित तरीके से रखें। जिन लोगों के शूज़ इधर उधर पड़े होते हैं, आप देखेंगे उनकी शनि की और राहु की दोनों की दशा खराब हो जाती है। कई बार आप देखेंगे के घर में जो लोगों के शूज़ होते हैं, एक शू इस कोने में मिलेगा, दूसरा शू दूसरे कोने में मिलेगा, तो ऐसे लोगों के भी दिमाग में हमेशा भटकाव चलता रहता है। ऐसे लोग कभी भी एक डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे लोग हमेशा कुछ चीज़ का फैसला कर भी लेते हैं, कभी भी उस प्लान को अपने पूरा नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर पाते। तो ज़रूरी है इन छोटी छोटी चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखें, और इन छोटी छोटी बातों से आप अपने ग्रहों को ज़रूर मजबूत करें। चलिए, इसी के साथ करते हैं आप अपने दिन की शुरुआत, और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि। एरीज के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं पेज ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स। आप लोगों के लिए आज कम समय में ही अपने काम को पूरा करने में लगे रहेंगे। आज के दिन में समय का सदुपयोग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि छात्रों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी भी विशेष महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए उसका प्रयास जरूर करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। कारोबारियों के लिए आज छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपका काम पूरा ज़रूर हो जाएगा। अगर शिपमेंट के थ्रू आप कोई सामान भेज रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी यात्राओं के समय पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। कोशिश कीजिएगा आज सायंकाल के समय आप यात्रा नहीं करें, यानी कि आप दिन ढलने के बाद आज के दिन में ट्रैवलिंग नहीं करें। उपाय की बात कर लें तो आज किसी भी गौशाला में जाकर के हरा चारा आप डोनेट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके लिए खासतौर पे फाइनेंशियल दिक्कतें जो आपकी आ रही हैं वो खत्म होंगी। अगर आज के दिन में आपका बर्थडे है, तो आज अपने वजन के बराबर भी आप सतनाजा डोनेट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि। कार्ड निकल रहे हैं द टेम्परेंस एंड टेन ऑफ वांड्स। तो आज के दिन में समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि निवेश आज बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं नज़र आ रहा है। धैर्य से काम कीजिए, क्योंकि आज के दिन में अगर लेखन आदि का कोई कार्य कर रहे हैं, आप राइटर्स हैं, आप पोएट्स हैं, आप
किसी तरह की पोइट्रीज लिखते हैं, तो आज के दिन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन जल्दबाजी में कार्य करने की वजह से हो सकता है वो आया हुआ ऑफ़र आपके हाथ से निकल जाए। तो हर चीज़ के लिए सहजता रखिए, रुके हुए कार्यों की आज के दिन में पूर्ति होगी, शुभ कार्यों में आज के दिन में मन लगेगा और कहीं ना कहीं पर मांगलिक कार्यों का आयोजन या चर्चा ज़रूर हो सकती है। घर में किसी विवाह का जो है उसका प्रस्ताव आपको मिल सकता है, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विदेश जाने का योग बन रहा है वृषभ राशि वाले वो के लिए। आज के दिन में उपाय आपको छोटा सा करना है, आज सुबह उठकर के गणपति जी की स्तुति के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, साथ ही में अपने माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएंगे, ऐसा करने से आपकी एंग्जाइटीज खत्म होंगी। मिथुन राशि, 10 of Cups and 9 of Wands कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए आज समय का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, मे बी पार्टनरशिप्स, या एक तरह से देखा जाए तो लोगों का साथ आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी हद तक फायदेमंद भी रहेगा। काफ़ी विशेष लोगों से आज मुलाकात हो सकती है, मे बी आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको किसी से मिलवा दें, जिनकी वजह से आपके कार्य में आपके एक अलग तरह के नयापन जो है वो आप महसूस करेंगे। मनचाही कार्य सिद्धि हो सकती है। आज एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि झूठ बोलकर फंस नहीं जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो आप किसी भी बात पर आज झूठ नहीं बोलें। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज उपाय ये रहेगा, सुबह उठकर के सूर्य को जल देना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा आज घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको आप छोटी छोटी स्टेशनरी का सामान ज़रूर आप गिफ्ट करें। चलिए बात करते हैं कर्क राशि, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए अपनी बातों से कहीं ना कहीं पे आप दूसरे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, आप लोगों को आश्वासन जो है वो काफ़ी हद तक आप लोगों को दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय पे नीडी हैं या कहीं ना कहीं पे उनको वो डिप्रेशन में है, ऐसे लोगों के लिए आप बहुत अच्छे एक तरह से देखा जाए तो उनको उनके लिए आप काफ़ी हद तक एक मेंटोर की तरह आज काम कर सकते हैं। कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, सामाजिक संबंधों में आज लाभ हो सकता है, सामाजिक कार्यों की वजह से जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ कार्यों में आज व्यय हो सकता है, मे बी डोनेशंस के बारे में सोच सकते हैं। कर्क राशि वाले लोग जो हैं आज कोशिश करेंगे सुबह उठ करके सबसे पहले तो आप गणपति जी की स्तुति करेंगे, इसके अलावा आज गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करेंगे और कोशिश कीजिएगा स्फटिक की माला जरूर धारण करें। सिंह राशि लियोस के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 of Wands कार्ड निकल रहा है, आज दिन की शुरुआत में हो सकता है व्यस्तता बढ़ेगी और खासतौर पे निजी कार्यों में आपका समय जरूर बीतेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस के लिए ही या सिर्फ अपने कामकाज के लिए ही आप समय निकालेंगे, आज अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए भी समय निकाला जा सकता है, अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं जो यूटिलिटीज़ हैं उसको उसकी खरीदारी के लिए आज समय निकाल सकते हैं, और छोटी छोटी ऐसी चीज़ों के लिए आप समय ज़रूर निकालेंगे। कारोबार में सफलता मिलेगी और आज आपका भाग्य बहुत प्रबल दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वाले लोग, कोशिश हो सकती है आज किसी दूर के स्थान से कोई संदेश आपके लिए आ सकता है, कुछ शुभ समाचार आपके लिए आ सकता है, ट्रैवलिंग्स दिखाई दे रही हैं। उपाय की बात करी जाए तो आज के दिन में कोशिश करेंगे माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करेंगे। जब बात आती है ज्ञान की, जब बात आती है बुद्धि की, तो एक तो गणपति जी और साथ ही में माँ सरस्वती की पूजा करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहता है। तो आज के दिन में सिंह राशि वाले लोग, खासतौर पर अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आप अपनी एडुकेशन में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आज के दिन में माँ सरस्वती भगवान गणपति जी की पूजा ज़रूर करें, भगवान गणपति को दूर्बा ज़रूर अर्पित करें और माँ सरस्वती को सफ़ेद मिष्ठान ज़रूर अर्पित करें। चलिए बात करते हैं कन्या राशि, 8 of Wands and 9 of Pentacles कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए आज के दिन में आध्यात्मिक क्षेत्र में तरक्की हो सकती है, आज धन लाभ की स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। आप जो भी प्रयास कर रहे थे अभी तक उससे आपको एफर्ट्स से आपको आज रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, किसी भी काम के लिए डीले बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं देखना पड़ेगा, परिजनों का सहयोग मिलेगा, आज नए अनुबंधों की पूर्ति हो सकती है, संबंधों से आपको लाभ मिलेगा, न्याय पक्ष जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज उपाय छोटा सा है, सुबह उठ करके आप कोशिश कीजिएगा किसी भी गौशाला में जाकर के आज डोनेशन ज़रूर दें, और हो सके तो आज सभी ग्रहों को आप अगर बेहतर करना चाहते हैं अपने जीवन में तो सतनाजा ज़रूर आज दान करें। तुला राशि, द मजीशियन एंड 7 of Cups कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए आज कारोबार का विस्तार हो रहा है, नई योजनाओं से आज आपको लाभ होगा, तो नई स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाइए, ऐसा नहीं है पुरानी चीज़ों पे ही आप स्टिक रहें, नयापन लाने की कोशिश ज़रूर करें अपने कामकाज में। परिजनों का व्यवहार थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है आपके प्रति, यानी कि आपके प्रति हो सकता है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना दिखाएं, आपके प्रति उतनी सहजता ना दिखाएं आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करने में। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएँ जो हैं उसकी योजना आज के दिन में बना सकते हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए उपाय ये रहेगा कि आज के दिन में सुबह उठ करके कोशिश कीजिएगा रुद्राक्ष की माला ज़रूर धारण करें और ओम मंत्र का उच्चारण कम से कम 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर करें।
स्कॉर्पियोज नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए आज काम बहुत ज़्यादा रहेगा जिसके लिए समय कम निकाल पाएंगे। तो ज़रूरी है आज हर चीज़ के लिए आप प्रॉपर टाइमिंग ज़रूर निकालें, आप अच्छे कार्य से या अच्छी नीति से हर काम में सफलता पा सकते हैं। तो नीति आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम आरंभ करने की बात करें तो आज व्यवसाय का आप शुभारंभ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में धैर्य से अपने काम को पूरा करने का प्रयास कीजिए। दूसरों के ऊपर चीज़ें नहीं थोपें, आज के दिन में दूसरों के ऊपर एक तरीके से रिलायबिलिटी दिखाना या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाना आज अच्छा नहीं है। मध्याह्न के समय कुछ काफ़ी हद तक राहत का अनुभव आप लोग करेंगे, जो दोपहर का समय होता है। आफ्टरनून के टाइम में आपके ऊपर से काफ़ी हद तक स्ट्रेस जो है, बर्डन जो है, वो कम हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में आज लगे रह सकते हैं, तो आज जो फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे थोड़ा सोच समझ कर ही आप डील आउट करें, सोच समझ करके ही आप संभाल करके रखें उन्हें। धनु राशि, द एम्प्रेस और सेवन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, आपके लिए आज स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। अनुकूल समय का कोशिश कीजिए आप लोग सदुपयोग करें, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए बहुत कम्फर्ट जोन वाला समय है। ये जो समय है आपके लिए बहुत एक ऐसा समय जिसमें कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, इसको अगर आप सिर्फ सोचने समझने में बता देंगे तो ऐसा हो सकता है कि समय ही आपके हाथ से निकल जाए। तो ज़रूरी है इसको यूटिलाइज ज़रूर करें। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता आज ज़रूर दें। अपने संगत को बदलने का प्रयास करें, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको सबसे पहले आप ध्यान से सोचिए समझिए, उसके बाद ही उन पर रिलाय ऑन कीजिए। आज बड़ों का आदर करना बहुत अच्छा रहेगा। संतान सुख संभव दिखाई दे रहा है, वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। उपाय की बात करी जाए तो आज के दिन में भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा, साथ ही में भगवान विष्णु को पीले पुष्प या फिर पीले वस्त्र अर्पित करना अच्छा है। चलिए बात करते हैं मकर राशि, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है, आपके लिए आज शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, आज मान सम्मान मिल सकता है। जो कार्य ऐसे थे जिसमें कि आपको कोई भी रिस्पॉन्स आता हुआ नहीं लग रहा था, आज उन कार्यों में आपकी जो कहीं ना कहीं पे आशाएं हैं वो बन सकती हैं, आपको वहां से रिस्पॉन्स मिल सकता है। सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, यात्राएं आपके लिए सफल हो सकती हैं और शुभ कार्यों में आज व्यय हो सकता है। डोनेशंस लोगों को देना आज अच्छा रहेगा, जो भी निधि लोग हैं उनको आज अनाज का दान करना आपके लिए अच्छा है। कुंभ राशि, द डेथ एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स रिवर्स कार्ड है, साझेदारी में किया गया कोई भी कारोबार आपको तरक्की जरूर देगा, धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, नया मकान या नई दुकान खरीदने के बारे में आज सोच सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, कोई शुभ समाचार आज आपको मिल सकता है, यात्राएं सफल रहेंगी। आज के दिन में उपाय क्या करना है, रामायण का एक पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा, रामायण के किसी भी अध्याय का एक पाठ कर लीजिए सुबह के समय में, मॉर्निंग के टाइम में करेंगे तो अच्छा रहेगा। यही उपाय स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी रहेगा, अगर स्टूडेंट्स एक अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा राम रक्षा स्त्रोत का पाठ आप ज़रूर करें, कॉम्पिटिशन में आपकी विजय ज़रूर होगी। मीन राशि की बात करते हैं, द चैरियट एंड द एम्परर कार्ड निकल रहा है, आपके लिए समय आज के दिन में अनुकूल रहेगा, थोड़ा सा लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है अपने आसपास के लोगों से और खासतौर पे उन लोगों से जो कि आपको नकारात्मक एडवाइसेस देते हैं। ज़रूरी है नेगेटिविटी से आज के दिन में बच करके चलें। कोई नया काम अगर शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें थोड़े बहुत डिलेज आज के दिन में हो सकते हैं, लेकिन हताश नहीं होना है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतने ही आपके काम बनते चले जाएंगे। किसी भी अपने से आपके लिए आज के दिन में एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से सामने वाला उसी तरह से आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। आज जो आपकी कहीं ना कहीं पे उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस अपनों से आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। मीन राशि वाले लोग कोशिश करेंगे सतनाजा ज़रूर दान करें, किसी नीडी पर्सन को आप दान कर सकते हैं सवा सवा की क्वांटिटी में, या फिर आप किसी गौशाला में जाकर के भी दान कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।